ऑफिशियली मुंबई इंडियंस हो चुकी है आईपीएल 2024 से बाहर। 2024 के आईपीएल के बाद भी होने वाला है मिनी आईपीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1234वां एपिसोड। आज 4 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से दोस्तों चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो और अब T20 वर्ल्ड कप की भी तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये रिपोर्ट मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस के हवाले से एक बड़ा कंफर्मेशन हो चुका है और टेबल पर मुंबई अब ऑफिशियली प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आपको पता होगा कल मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और केकेआर की टीम ने कल मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। अब स्थिति यह है कि मुंबई इंडियंस के टेबल पर मात्र 6 अंक है और मुंबई इंडियंस के मात्र 3 मैच बचे हुए हैं। अगर मुंबई अपने बचे हुए सारे के सारा मैचेस जीत भी लेती है ना तो टेबल पर 12 अंक से ज्यादा मुंबई इंडियंस की टीम अर्जित नहीं कर सकती। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया देखो प्लेऑफ में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 16 अंकों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और अगर स्थिति फंसेगी भी ना तो भी 14 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो आधिकारिक रूप से मुंबई की टीम आईपीएल से बाहर का रास्ता देख चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आ रही है आज के मैच के हवाले से। आज बड़ा मैच होगा आरसीबी वर्सेस जीटी। बहुत बड़ा मैच इसलिए है क्योंकि पिछला मैच भी ये दो ही टीम खेली थी और वो भी बड़ा रोचक मैच हुआ था। आरसीबी ने उस मैच को जीता था। 7:30 बजे बेंगलोर के स्वामी स्टेडियम में मैच शुरू होने वाला है। अगर टेबल के नजरिए की बात करें तो आरसीबी के लिए कुछ है नहीं, लेकिन गुजरात का खेल बिगाड़ सकती है आरसीबी की टीम, क्योंकि अगर यहां पर गुजरात हार जाती है तो गुजरात भी लगभग 95% गुजरात भी टेबल से आउट हो जाएगी, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो करो या मरो वाला मैच होगा गुजरात टाइटंस के लिए। आरसीबी अब मौज ले रही है क्योंकि सारे गणित है, 1% के चांस है आरसीबी वालों को, सबको पता है यहां से क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो इस समय टेबल की क्या स्थिति है वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो केकेआर के 14 अंक हो गए हैं, राजस्थान रॉयल्स के 16 अंक है। केकेआर ने कल जीत हासिल कर अपनी जगह प्लेऑफ में 100% सुनिश्चित कर ली। ये दो टीमें तो क्वालिफाई कर गई है। लखनऊ हैदराबाद 12-12 पॉइंट दोनों के हैं और लखनऊ और हैदराबाद नंबर 3 और नंबर 4 की सबसे बड़ी दावेदार है। चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम स्ट्रगल कर रही है, लास्ट में चेन्नई वाले हार गए थे एंड दैट्स व्हाई चेन्नई के चांसेस प्लेऑफ के काफी कमजोर अब नजर आने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम क्वालिफाई करेगी। अगर लड़ाई होगी भी तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 4 या नंबर 3 की लड़ाई लड़ेगी और बड़ा मुश्किल होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहां से, क्योंकि आप देखो यार इनके प्लेयर्स भी काफी इंजर्ड होने लगे हैं। मतीशा पातिराना भी इंजर्ड निगल उन्हें बताया जा रहा है, तुषार देशपांडे को भी फ्लू बताया जा रहा है। तो स्थिति चेन्नई की अभी स्थिति नहीं अच्छी नहीं है टेबल पर। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रही है और कौन दो टीमों के बीच फाइनल होगा, अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, यूट्यूब ने आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। रिसेंटली दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान हुआ। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की अपनी कप्तानी जो इनकी छीनी गई उस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा आई वॉज ए कैप्टन देन नॉट नाउ अगेन पार्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा मैं कप्तान था अब नहीं हूं, अब फिर से बन गया हूं टीम इंडिया का, ये जिंदगी का हिस्सा है। रोहित शर्मा का एक तरह से दर्द झलका, अच्छा नहीं किया मुंबई इंडियंस ने, फल भोग चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। हमने देख लिया है कि आप रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की तुलना नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या की कप्तानी का तरीका भी हमने देख लिया, तो सब कुछ देख लिया। और जब टीम एक नहीं होती है ना, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि टीम कागज पर बड़ी मजबूत है लेकिन जब वो एक साथ जेल होकर नहीं खेलेगी ना तो बड़ी बड़ी टीमें भी मैच नहीं जीत पाती, और वो चीज़ हमने इस साल के आईपीएल में तो बहुत एविडेंटली मुंबई इंडियंस की टीम में देख लिया। बाकी आप बताओ दोस्तों, क्या मुंबई इंडियंस वालों को फिर से रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए या फिर भैया मुंबई इंडियंस की जो टीम है उन्हें हार्दिक को कप्तान रखना चाहिए या फिर भैया रोहित को टीम छोड़ देनी चाहिए, अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिख दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर मयंक यादव के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों क्रिक बॉस ने कंफर्म किया है मयंक यादव को लेकर कि वो आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं और कंफर्म हो गया है कि वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर को ज्वाइन करेंगे, पेस अकेडमी को ज्वाइन करेंगे और अपनी गेंदबाजी एक्शन और अपनी गेंदबाजी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। अच्छा, ये पेस अकेडमी बड़ी खतरनाक है क्योंकि हमने इसका इतिहास देखा है।
या जो भी गेंदबाज जाता है उसकी 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड कम हो जाती है। ये टेक्निक पर काम करवाते हैं लेकिन जो रॉ पेस है वो खत्म हो जाता है। ऐसा उमरान मलिक के साथ भी हुआ और अब रिसेंटली मयंक यादव के साथ भी हो सकता है, लेकिन क्रिक बज ने कन्फर्म कर दिया। आप बताओ दोस्तों, क्या ऐसे ही सीधे मयंक यादव को उठाकर खिलाना चाहिए या फिर इन्हें पेस अकेडमी भेजना चाहिए, क्योंकि इस समय तो मयंक यादव चोटिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो चेन्नई सुपर किंग के कोच ने भी कंफर्म कर दिया, स्टीफन फ्लेमिंग ने कंफर्म किया, दीपक चहर अब आईपीएल 2024 के बचे हुए मैचेस शायद ना खेल पाए, चांसेस है कि वो बाहर हो गए हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ने कंफर्म किया कि उनकी रिटर्न अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनकी जो इंजरी हुई है वो बहुत ज्यादा सस्टेन्ड नजर आ रही है लगातार। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अहम मोड़ है इस समय आईपीएल में, उसके बावजूद इस तरह की खबर आना चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा सा टेंशन में तो डाल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है मिनी आईपीएल के हवाले से, सितंबर में मिनी आईपीएल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई तैयारी कर रही है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद बारिश के दौर में चार टीमों के बीच एक छोटा सा आईपीएल कराया जाए। ये मिनी आईपीएल का पूरा खाका बीसीसीआई ने तो तैयार कर लिया है, और जब आईपीएल शुरू हुआ था नीलामी हुई थी उस दौरान भी ये बातें हुई थी, लेकिन समस्या यह है कि टीमें तैयार नहीं हो रही। आईपीएल टीमों के लिए इस साल का आईपीएल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर मैं कमाई की बात करूं, व्यूअरशिप की बात करूं, तो इस साल के आईपीएल में थोड़ा सा डिप आया, एंड दैट्स वाई जो बड़ी टीमें हैं जो कि पहले इंटरेस्टेड थी कि वो सितंबर में छोटा आईपीएल भी खेलेंगी, अब वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों मिनी आईपीएल के साथ खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया भर में बायलेटरल सीरीज चलेंगी और उस समय विदेशी प्लेयर्स का उपलब्ध हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हालांकि अगर मिनी आईपीएल की विंडो तैयार होती है ना दोस्तों, तो 20 दिन से ज़्यादा की विंडो तैयार नहीं होगी, जिसमें सारे मैचेस भी हो जाएंगे, फाइनल और प्लेऑफ भी हो जाएगा। लेकिन इस खबर पर हमारी नज़रें बनी रहेगी, क्योंकि आईपीएल बस अब एंड होने वाला है और आईपीएल में 20 दिन बचे हुए, उसके बाद हमें विजेता मिल जाएगा और उसके बाद सबकी निगाहें हैं वर्ल्ड कप पर, और फिर ये मिनी आईपीएल का दौर सितंबर में होगा। तो मिनी आईपीएल पर आगे जो भी खबर आएगी सबसे पहले माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आठवीं बड़ी रिपोर्ट की, आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो पैट कमिंस ने आईपीएल 2024 पर स्पेशली एक बड़ा बयान दिया। कमिंस ने कहा, बिलो 10 इन एन ओवर लुक्स गुड। आईपीएल इस स्थिति में पहुंच चुका है कि यहां पर अगर एक गेंदबाज 10 से कम रन देता है तो अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी पिटाई हो रही है गेंदबाजों की। पैट कमिंस ने तंज किया, पैट कमिंस ने बताया कि बल्लेबाजों का खेल बन चुका है आईपीएल, 200 रन बहुत फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं। आप बताओ दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पर्पल कैप की दौड़ के हवाले से। बुमराह और नटराजन लगातार टॉप कर रहे हैं। बुमराह इस समय टॉप है 17 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में, नंबर 2 पर नटराजन 15 विकेट के साथ है। अब आयरनी यह है कि नटराजन 15 विकेट लेने के बावजूद भी इस समय भारत की टी20 स्क्वाड में सेलेक्टेड नहीं हुए, विच आई थिंक कि थोड़ा सा गलत हुआ। मुझे ऐसा लगता है हर्षदीप के स्थान पर या शिराज के स्थान पर आपको नटराजन को लेना था, जिस तरह का अच्छा आईपीएल उनका गया है, और ये फैसला थोड़ा सा समझ नहीं आया। बाकी इस पर आप अपनी राय बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दसवीं बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ऑरेंज कैप की दौड़ भी देख लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए, इस समय ऑरेंज कैप लिए हुए हैं 509 रन बनाकर, नंबर 2 विराट कोहली, सुदर्शन नंबर 3 है, पराग नंबर 4 है, केएल राहुल नंबर 5 है। ये तीनों को भी वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली, जबकि यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में नहीं है, बहुत दूर इस लिस्ट में, लेकिन सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो हमें पार्शियलिटी बोल लो या ये जो अनसेलेक्शन ड्रॉपिंग देखने को मिली, क्यों देखने को मिली, ये आप बताओ दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से क्या जायसवाल के स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बनती थी, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या केएल राहुल की जगह बन रही थी, ये भी बताओ आप नीचे कमेंट बॉक्स में। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर।